तरह से हमारे मुसलमानों की शादियों में जो जेज का रिस्म है, दहेज के आड़ में जो जेज लिया जाता है लड़के वाले से, बहुत हराम चीज़ है। इससे कई सारे लड़कियों की शादियां नहीं हो रही, तो इसे रोकथाम के लिए सबको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। खास करके जो जेज नाम के जो सामान वगैरह जमा करने के लिए जो लड़कियों के माँ बाप है, लड़कियों के माँ बाप है, जितना वो लोग कितना एक एक रुपये जमा करके अपने पेट को मार के, मुंह को मार के जिस तरह से जो है जमा करते, बहुत गम की बात है कि हम लोग इस्लाम में रहकर भी इस तरह की चीज़ को रोक नहीं सक रहे। तो हम सब के लिए शर्मिंदगी की बात है। इसको रोकने के लिए इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करने जाने वाले हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि फंक्शन हॉल में या घर में जेज का डिस्प्ले ना हो, जेज दिखाया ना जाए। जिस तरह से शादियों में दिखाया जाता है कि इतने प्लेट दिए, इतने ग्लास दिए, ये गाड़ी दिए, ये दिए, तो इंडिया के कानून के हिसाब से हराम है, इस्लाम के हिसाब से भी हराम है। तो इस हराम चीज़ के खिलाफ लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। इंशाल्लाह इसके बारे में खाजी साहब, खदी साहब और पुलिस डिपार्टमेंट से भी हम लोग मिलने वाले हैं, उनको भी कंप्लेंट देंगे। इंशाल्लाह हर शादी में जेज मत दो, जेज मत लो, क्योंकि ये बहुत बड़ी हराम चीज़ है। इससे बच के रहो और ये कानून के तौर पे भी गलत चीज़ है। तो इसलिए अगली बार इंशाल्लाह ऐसा होगा, ऐसा माहौल पैदा करेंगे, अगर कोई फंक्शन हॉल में जेज दिखाया तो आरएस वाले शो वाले दो को अंदर डालना, वैसा केस कर दिया इंशाल्लाह। क्योंकि दोस्तों और अजीजों में बहुत बुरी हालत बनती जा रही है। अब देखो हर चीज़ का रेट बढ़ गया है, कमाई भी नहीं बिल्कुल। तो एक वक्त आ गया है कि कंपलसरी इस जेज को इस्लाम से भगाया जाए। तो इसके लिए अब जो आस है, लालच है, उन्होंने धीरे हमें ले रही, नहीं तो हमें मैं नौकरी करूँ, ये करूँ, वो करूँ, मेरे बिजनेस है। तेरा बिजनेस है तो तेरे घर को, लड़कियों पे क्यों जुलम कर रहा? नौकरी है तो तेरे घर तक है ना, तो औरत के पैसे पे जीरा तो भड़वा है वो मर्द ने। अगर औरत के पैसों का आस कर रहा है, लाख दो लाख तीन लाख आस कर रहा है, तो वो मेरे नज़र में मर्द ने है, भड़वा है वो। तो इन भड़वों के खिलाफ लड़ने के लिए मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटता। इंशाल्लाह इस बारे में पब्लिक में मुहिम चालू की जाएगी। खाजी खदीब और जितने भी जिम्मेदारान है और DSP साहब है, हुआ तो SP साहब के पास भी जाके फंक्शन हॉल को लेटर भेजा जाएगा कि फंक्शन हॉल में जेज का डिस्प्ले ना करें, वरना फंक्शन हॉल पर भी एक्शन होगा, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। हर स्टेशन में हम लोग कंप्लेंट करेंगे, फंक्शन हॉल में कम से कम डिस्प्ले ना हो। तो एक तरह से कम करते जाएंगे तो इंशाल्लाह जेज ख़त्म होगा। तो हर मैं खासकर मुसलमान नौजवान से मैं अपील करता हूँ कि आगे बढ़ो, एक सही मौका है, क्योंकि अभी नौजवान जाग रहे हैं। ये दीनी फरीजा है, दुनिया का फरीजा है। कई लड़कियों के माँ बाप की दुआ आपको लगेगी कि जेज के खिलाफ आगे बढ़े। और जेज को फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, जेज को फंक्शन हॉल में और घर में डिस्प्ले देखना, दिखाना नहीं किसी को, वहीं से ख़त्म शुरू होता। गाड़ी है, जेज है, अगर कोई ज़बरदस्ती रखा तो सीधा केस करना, लड़के और लड़के माँ बाप लोगों को अंदर, तब जाके इंशाल्लाह धीरे धीरे कम होता। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फंक्शन हॉल में जेज का सामान रखना नहीं, ये फर्स्ट स्टेप होता हमारा इंशाल्लाह। 8-10 दिन में इस पर कार्रवाई होगी। आवाम से दुआ की दरख्वास्त है, सपोर्ट की दरख्वास्त है। नौजवानों को अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े, हमारा साथ दे। इंशाल्लाह जेज के बला को आदमी से ख़त्म करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। नूर अहमद, आम आदमी पार्टी कर्नूल जिला कन्वीनर, आदरणीय। एक लड़की के माँ बाप 18-20 साल तक लड़की को पाल पोस के, पढ़ा के, अच्छे मतलब उसको पाल पोस के 20 साल उम्र तक अपने घर में रखे, एक लड़के को शादी दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इस्लाम में क्या है, रिवर्स मेहर देने का। लेकिन कुछ नामर्द, कुछ हिजड़े, कितने गाले तो कम है इनको, औरत से पैसा मांग रहे हैं, लाखों रुपये मांग रहे हैं। उसके अवगत कुछ भी नहीं, फिर भी लाख दो लाख, अगर और पैसा है तो 5-10 लाख, उसका कोई लिमिट ही नहीं। तो नाम के मुसलमान हैं ये लोग, शर्म आनी चाहिए इनको, डूब के मरना चाहिए कहीं पर, क्योंकि ये तो सुन्नत का दावा करते हैं, लेकिन तो कहाँ की सुन्नत है कि आप औरत से पैसा ले रहे हैं। तो इसी वजह से जहालत के जमाने, जहालत में लड़की बच्चों को पैदावते मारने का था, अब फिर वो जहालत शुरू होगी, पेट में मार रहे हैं। तो इसके कातिल वही मर्द है जो दहेज का लालच करते हैं। तो सारा गुना आपके सर पर जाने वाला है। कई लाखों बच्चियाँ घर में बैठी हुई है, इसी क्यों ये लोग दहेज नहीं दे सकते, जेज नहीं दे सकते, इसलिए। तो इसका सारा गुना, सारा क्या जुर्म क्या है,
उन लड़कों पर, उन लड़कों के माँ बाप पर जो दहेज कास करते हैं, तो इनके ऊपर लानत है क्योंकि इनके वजह से आज मुआशरा ख़राब हो रहा है। तो सबसे दोबारा अपील करता हूँ कि इस दहेज की बला को भगाने के लिए कुछ तो कोशिश करें। इंशाल्लाह थोड़ी देर कोशिश में इंशाल्लाह कामयाबी भी मिलेगी और सुन्नत नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी अमल करें। लड़की को, लड़की से दहेज ना लें, लड़की को और मेहर दें, इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे। इंशाल्लाह आपको आखिरत में भी कामयाबी होगी। अस्सलाम वालेकुम।